वेलकम टू सिर्फ फुटबॉल दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साफ वुमेन चैम्पियनशिप जो कि नेपाल में आयोजित होने वाले हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। साफ वुमेन चैम्पियनशिप 2022 में टीम इंडिया का जर्नी शुरू होने वाला है 7 सितंबर से। टीम इंडिया को पाकिस्तान, मालदीव्स और बांग्लादेश के साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। टीम इंडिया पहला मैच 7 सितंबर को पाकिस्तान के साथ शुरू करेगी, वही दूसरा मैच होगा 10 सितंबर को मालदीव्स के विरुद्ध और ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच होंगे बांग्लादेश के विरुद्ध। और दूसरे ग्रुप में है नेपाल के साथ भूटान और श्रीलंका। इन दो ग्रुप्सों में जो टॉप टू रहेंगे वो जाएंगे सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल मैचेस होंगे 16 सितंबर को और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा 19 सितंबर को। टीम इंडिया के कोच सुरेंद्र छेत्री ने अपने 26 प्रोबेबल इंडियंसों का नाम घोषित कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इस लिस्ट में कौन कौन से प्लेयर अपनी जगह बना पाए हैं। 4 गोलकीपर्सों को इस कैंप में बुलाया गया है, अदिति चौहान, लिंथुएन गांबी देवी, श्रेया हुड्डा और सौम्या नारायण स्वामी को। डिफेंडर्सों में बुलाया गया है सुटी देवी, रितु रानी, आशालता देवी, रंजना चानू, मनीषा पन्ना, अरिफा सैयद, माइकल मार्गरेट कॉन्स्टान्हा, जूली किशन और संतोष को। मिडफील्डर्सों में बुलाया गया है अंजू तामांग, कार्तिका अंगमथु, प्रियंका देवी, मार्टिना थोकचोम, संध्या रंगनाथम, काव्या पक्रीसामी, कश्मीना और रतनवाला देवी को। फॉरवर्ड्सों में बुलाया गया है दुलार मरंडी, अपूर्ण नर्जरी, सौम्या गोगुलत, रेनु और किरण पिस्ता को। सब वुमेन्स चैम्पियनशिप के लिए दालिमा छिब्बर, मनीषा कल्याण और दांगमी ग्रेस को नहीं बुलाया गया है, जिसकी वजह से कुछ नए प्लेयर्सों को इस कैंप में मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का। सब वुमेन्स चैम्पियनशिप में टीम इंडिया का रिकॉर्ड देखें तो अब तक 5 बार इस चैम्पियनशिप आयोजित हुआ है, जिसमें से 5 बार टीम इंडिया ने इस चैम्पियनशिप को जीता है। तो इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी है, जिससे हम कह सकते हैं कि वो इस बार भी इस टूर्नामेंट को जीते। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस टूर्नामेंट में लेने के लिए धन्यवाद।